सबसे बड़ी खबर सामने आई। बंगाल के बैरकपुर में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिला। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के प्रत्याशी अर्जुन सिंह का विरोध किया। अर्जुन सिंह ने टीएमसी उम्मीदवार पर बड़े आरोप लगाए। टीएमसी कैंडिडेट पार्थ भौमिक इन पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं अर्जुन सिंह। देर रात पार्थ भौमिक ने पैसे बांटे, अर्जुन सिंह कह रहे टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी बीजेपी कैंडिडेट की ओर से लगाया गया है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और ये चुनाव आयोग या प्रशासन इसे कैसे लेता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आरोप बहुत गंभीर है। बंगाल से कई बार झड़प या हिंसा की तस्वीरें चुनाव के वक्त में सामने आती रही हैं और हर चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रही है बंगाल के कुछ हिस्सों में। और बैरकपुर में आज वोटिंग जारी है। यहां से सांसद हैं अर्जुन सिंह, कुछ वक्त पहले तक बीजेपी में थे, फिर टीएमसी में गए, फिर बीजेपी में आए, लेकिन उनके ये आरोप चुनाव के बीच में बहुत ज्यादा गंभीर है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थ भौमिक टीएमसी की ओर से चुनावी मैदान में, ये देखिए, ये अर्जुन सिंह आपको दिख रहे हैं सफेद कलर के कुर्ते में और पार्थ भौमिक से उनकी कैसे कहासुनी हो रही है ये आप देख सकते हैं। अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि पार्थ भौमिक चुनाव प्रभावित करने के लिए, वोटर्स को प्रभावित करने के लिए पैसे बांट रहे हैं। और फिर उसके बाद कैसे ये जो बात है, ये पूरा घटनाक्रम है, ये कहासुनी में तब्दील हो गया, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अर्जुन सिंह क्या कह रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, वो सुना देते हैं आप। ये महिला वोटर हैं, इनको जाने यहाँ से खड़ा होके घूम घूम के मोटरसाइकिल लेके वोटर रोक रहा है और मार रहा है। ए बोनी 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 पुलिस कोनो काज करछे ना, क्यूआरटी को बोला गया, क्यूआरटी बोनी बोल के क्रिमिनल है वो, यहाँ वोटरों को निकलने नहीं दे रहा है, मार रहा है, वो महिला को एक चो मारा है, उसके बाद आया गया तो हमको भी धमका रहा है। बीजेपी का आदमी लोग हमको ठेट कर रहे कि घर चले जाओ, वोट देना नहीं पड़ेगा, ये क्यों होगा, क्यों होगा, हम वोट देने गए बोला जा रहा है कि एक नंबर बटन में वोट दो, ठीक है। ये बुवाई बोल के लड़का बीजेपी का एजेंट है, अंदर बैठ के बोल रहे कि तुम लोग कहीं पे भी वोट दो बीजेपी जीतेगा। अर्जुन सिंह क्या करेगा, अर्जुन सिंह को मेरे साथ बात करने बोलिए, इधर किसका वोटर है नहीं है उसको कुछ नहीं है। हम टीएमसी है, टीएमसी है, टीएमसी जीतेगा। कितना दूरी पे है, यहाँ पे वोट सब हम लोग जीतेगा, ठीक है। ये लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनका आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उन्हें रोक रहे थे पोलिंग स्टेशन जाने से। और जब अर्जुन सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है बैरकपुर से, उनका काफिला यहाँ से गुजर रहा था तो तभी जो है यहाँ से स्लोगनियरिंग की जाती है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको पोलिंग स्टेशन जाने से रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट डाले। ऐसे में जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है आमने सामने है। जो महिला है वो बीजेपी करती है, यहाँ पर ये तृणमूल करती है और ऐसे में जो है आमने सामने हो गए हैं और अर्जुन सिंह यहाँ पर पहुंचे। लेकिन देखिए हम आपको तस्वीरों में दिखा दें, खबर मिलते ही पुलिस यहाँ पर पहुंची है कि आखिरकार किस तरह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी आमने सामने हो चुके हैं और आरोप लग रहा है वोटरों को जो इंटिमिडेट करने का। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार बैरकपुर से अर्जुन सिंह पुलिस को कह रहे हैं कि क्यों वोटरों को रोका जा रहा है और पुलिस से वो बात कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं बैरकपुर से, वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम साउ नव भारत। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।